वन प्लस नोट 3 5G वर्सेस ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन किस चीज में है बेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। अगर आप 35,000 से 40,000 की रेंज में कोई नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हो तो मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुई ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G और वन प्लस नोट 3 5G फोन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की सेल अभी इंडिया में शुरू नहीं हुई है, ऐसे में आप समय देते अपने लिए परफेक्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G और वन प्लस नोट 3 5G फोन यूजर्स के लिए क्या क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पेश करते हैं, इसका कंपैरिजन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप जान सकते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन किस चीज में बेस्ट। और वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट बन सकती है। बात करते हैं दोस्तों इस मोबाइल की डिजाइन की। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G 3D कट डिजाइन पर बनाया गया है, जिसका पैनल काफी ग्लॉसी है और ग्लास से प्रोटेक्ट है। इस फोन की थिकनेस सिर्फ 7.89 mm है और इस मोबाइल का वेट 185 ग्राम है और इसे सिल्वर ग्रे और ग्लॉसी पर्पल कलर में खरीदा जा सकता है। OnePlus Note 3 5G फ्लैट डिजाइन पर बनाया गया है, जिसे 2.8D स्लिक ग्लास से कवर किया गया है। इस फोन की थिकनेस 8.15 mm की है और इस मोबाइल का वेट 193.5 ग्राम है। ये फोन टेम्पेस्ट ग्रे और मिस्ट्री ग्रीन कलर में सेल के लिए लाया जाएगा। लुक के मामले में रेनो 10 प्रो 5G फोन का अट्रैक्शन OnePlus Note 3 5G से ज्यादा है। बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। OnePlus Note 3 5G फोन में 6.74 इंचेस की फुल HD पंच होल डिस्प्ले दी गई है। यह सुपर फ्लूड एमुलेट स्क्रीन है, जिस पर 120Hz रिफ्रेश रेट और 1450 निट ब्राइटनेस और 450 PPI जैसे फीचर्स मिलते हैं। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G में हमें 6.74 इंचेस की फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले दी गई है। यह 3D एमुलेट स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 950 निट ब्राइटनेस और 394 PPI को सपोर्ट करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रोसेसर की तरफ। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G एंड्रॉइड 13 पर आधारित कलर OS 13 पर लॉन्च हुआ है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें 6 नैनोमीटर फेब्रिकेशन पर बना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 2.2 GHz क्लॉक स्पीड पर रन करता है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रेनो 642 का GPU मौजूद है। OnePlus Note 3 5G में एंड्रॉइड 13 पर आधारित ऑक्सीजन OS 13.1 दिया गया है। ये फोन 4 नैनोमीटर फेब्रिकेशन पर बना मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 ऑक्टाकोर प्रोसेसर को सपोर्ट करती है, जो 3.5 GHz क्लॉक स्पीड पर रन करता है। ग्राफिक्स के लिए इसमें ARM वाले G710 GPU दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज की। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G में 12 GB RAM प्लस 256 GB स्टोरेज के लिए सिंगल मेमोरी वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। ओप्पो मोबाइल को कंपनी ने 8 GB RAM एक्सपेंशन तकनीक से लेस किया है, जो फिजिकल रैम से जुड़कर 12 GB RAM से बढ़ाकर 20 GB कर सकते हैं। OnePlus Note 3 5G फोन में इसके बेस वेरिएंट में 8 GB RAM प्लस 128 GB स्टोरेज दी गई है और इसके बड़े वेरिएंट 16 GB RAM 256 GB स्टोरेज को सपोर्ट करता है। ये फोन रैम वीटा रैम मैनेजमेंट फीचर से लेस है, जो प्रोसेसिंग को आसान बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों बैक कैमरा की। OnePlus Note 3 5G फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके बैक पैनल पर LED फ्लैश लाइट से लेस 50 MP का सेंसर दिया गया है, जो OIS को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का मोनो सेंसर मौजूद है। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50 MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो OIS तकनीक से काम करता है। और इस मोबाइल के बैक पैनल पर 32 MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से मौजूद है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। नया ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G फोन में 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है और सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए OnePlus Note 3 5G फोन में 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब बात आती है दोस्तों बैटरी की। पावर बैकअप के लिए OnePlus Note 3 5G फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। यह डुअल सेल बैटरी, जिसमें हर एक सेल में 2500 mAh की बैटरी दी गई है। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G की बात करें तो ये मोबाइल फोन 4600 mAh की बैटरी के साथ मार्केट में लाया है। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की चार्जिंग की। चार्जिंग तकनीक के मामले में ओप्पो और OnePlus दोनों स्मार्टफोन में एक समान वॉट सपोर्ट करता है। Note 3 5G में जहां 18W सुपरबुक चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, वही रेनो 10 प्रो 5G फोन में 18W सुपरबुक चार्जर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की। ओप्पो मोबाइल और OnePlus स्मार्टफोन दोनों में ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS जैसे बेसिक कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ NFC भी दिया गया है। 5G बैंड्स की बात करें तो OnePlus Note 3 5G फोन 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, जबकि ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G मोबाइल में 14 5G बैंड्स मिलते हैं। यही अंतर काफी बड़ा है। अब जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की कीमत के बारे में। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G स्मार्टफोन, जो सिंगल वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, जिसकी 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज की प्राइस 40,000 रुपए है। और OnePlus Note 3 5G में हमें 2 वेरिएंट दिए गए हैं, जिसके 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज की कीमत 34,000 रुपए है
और 16GB 256GB स्टोरेज की कीमत 38,000 रुपये है। ये दोनों फोन इसी हफ्ते अपनी पहली सेल के लिए लाए जाएंगे। कीमत के मामले में ओप्पो मोबाइल वन प्लस स्मार्टफोन से महंगा है और रेनो 10 प्रो 5G लुक, स्टाइल और कैमरे के मामले में काफी आगे निकलता है, लेकिन जब बात प्रोसेसिंग की आती है तो यह वन प्लस नॉट 3 5G ऊपर चला जाता है। यह पैसा और फैसला दोनों आपका है कि आप किसे खरीदना चाहेंगे। और हाँ, आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकेशन और कंपेरिजन आपके फैसले में मदद जरूर करेगा। और दोस्तों, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता वैसे ही नई वीडियो में नई कंपैरिजन के साथ। रोशन टेक, तब तक के लिए बाय बाय।